तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, मैं जब भी कहीं घूम कर आता हूँ तो एक वीडियो ऐसी बनाता हूँ जहाँ पर मैं आपको उस जगह के बारे में ये बताता हूँ कि आप वहाँ दिल्ली से कैसे जा सकते हैं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे और क्या घूमेंगे और आपका कितना खर्चा बैठ सकता है विद फैमिली या अगर आप अकेले हैं तो। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माई ट्रैवल एंड मैं नवीन आज आपको बताने जा रहा हूँ दिल्ली टू बीकानेर आप कैसे जा सकते हैं, वहाँ क्या क्या बीकानेर में आप घूम सकते हैं, क्या क्या करने की चीज़ें हैं और आपका एक एवरेज में कितना खर्चा आ सकता है अकेले या विद फैमिली के साथ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, काफ़ी अच्छी है। सो आप ये मेरे पास देख सकते हैं, यह एक फ़ोटो बुक है, एल्बम टाइप है ये फ़ोटो बुक। सो मैंने ये ऑनलाइन zoomin.com से ऑर्डर किया और काफ़ी सुंदर है, इसमें आप अपने ऑनलाइन ही ऑर्डर दे सकते हैं, कस्टमाइज ये फ़ोटो बुक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें फ़ोटोज़ वगैरह अपना पूरा सेट कर सकते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट डालना है आप वो डाल सकते हैं। और इनकी ऐप भी है, जूम इन ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, zoomin.com करके इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप ये फ़ोटो बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इनकी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैंने भी ये इन्होंने मुझे भेजी है, देखिए काफ़ी सुंदर है और हार्ड कवर में है, सॉफ्ट कवर में है, मग्स हैं, कैलेंडर्स हैं और भी काफ़ी प्रिंटिंग के प्रोडक्ट्स हैं इनके पास जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है। तो चलिए खैर वीडियो को शुरू करते हैं और आगे आपको बताते हैं बीकानेर के बारे में। सबसे पहले हमें दिल्ली से बीकानेर पहुंचना है, एज यूजुअल सबसे सस्ता तरीका जो रहेगा वो आपका ट्रेन रहेगी। रात को 11:30 बजे दिल्ली सराय रोहिला से ट्रेन चलती है, जो कि टिकट रहती है उसकी 300 प्लस टैक्स वगैरह मिला के 320 तक आपका एक पर्सन की टिकट पड़ती है आपको, वो सुबह 6:30-7 बजे तक आपको वो उतार देगी बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आपको वहाँ से आने की टिकट करनी है, यही सेम चार्जेस रहेगा, वहाँ से 10:30 बजे है। तो दोस्तों एडवांस में बुकिंग कर लीजिए ट्रेन की, सबसे बेस्ट रहता है जाने का तरीका और सबसे सस्ता यही रहता है और आरामदेह भी रहता है। तो आप जब ट्रेन से वहाँ उतरेंगे आपको कोशिश करनी है कि आप स्टेशन के पास ही रूम ढूंढें, वहाँ पर काफ़ी रूम्स आपको मिल जाएंगे, काफ़ी होटल्स हैं। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे गोआईबीबो पे तो आपको, अगर आप अकेले हैं तो डॉर्मेटरी बुक कर सकते हैं जो कि आपको चार्ज करेगी अराउंड 200 रुपीज़ से लेकर 300 रुपीज़ पर बेड। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप होटल भी ले सकते हैं, 500 से 700 रुपये के बीच में एक अच्छा होटल आपको स्टेशन के पास आराम से मिल जाएगा। स्टेशन के पास मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ से जो है जूनागढ़ फोर्ट और भी एक दो प्लेसेस जो हैं काफ़ी इजीली वॉकिंग डिस्टेंस पर आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। हमने जो होटल बुक किया था दोस्तों, हमने किया था सिद्धि विनायक, मैंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी क्योंकि टाइमिंग्स का कुछ पंगा पड़ रहा था और टाइमिंग्स। दोस्तों हमने जो है होटल वहीं जाके बुक किया था, होटल सिद्धि विनायक, जो कि मुश्किल से 0.5 किलोमीटर था, वॉकिंग डिस्टेंस पर था स्टेशन से। और हमें ये पड़ा था 800 रुपये रूम वन नाइट का और हमने दो रूम लिए थे क्योंकि हम दो फैमिलीज गए थे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपका जो ये ट्रिप रहेगा वो रहेगा 2 दिन का। पहले दिन जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं होटल में चेक इन करने के बाद फ्रेश हो जाइए और वहाँ से आप ब्रेकफास्ट के बाद निकल पड़िए सीधा जूनागढ़ फोर्ट के लिए, जो कि स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। जूनागढ़ फोर्ट पे आपको जो टिकट एंट्री रहेगी 50 रुपये फोर्ट की और 30 रुपये म्यूज़ियम की रहती है, बच्चों की 30 और 10 रुपये टिकट रहती है। आप म्यूज़ियम को घूमने के लिए आप 3 घंटा कम से कम लेके चलिए विद फोर्ट एंड म्यूज़ियम। काफ़ी सुंदर फोर्ट है, काफ़ी वेल मेंटेन फोर्ट है राजस्थान का, तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर कलरफुल फोर्ट है, तो घूमना बनता है। फोर्ट घूमने के बाद दोस्तों आप सीधा करनी सिंह स्टेडियम जाइए कैमल फेस्टिवल। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, अगर आप बीकानेर जाना चाह रहे हैं तो विंटर्स में जाइए और वो भी स्पेशली कैमल फेस्टिवल, जो कि हर साल वहाँ पर जनवरी में 2 दिन के लिए लगता है, जिससे कि आप और भी बीकानेर को अच्छे से इन्जॉय कर सकें। कैमल फेस्टिवल में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैमल्स मिलेंगे, कैमल रेस, कैमल डांस और भी कई राजस्थानी कल्चर एक्टिविटीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आप राजस्थानी फूड का भी एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा बाकी का हाफ डे आप वहीं पर स्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना इवनिंग में मार्केट घूम सकते हैं। नेक्स्ट डे जो है आप माता कन्नी टेम्पल, नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर, वैष्णो धाम और छत्रीस को घूम कर आ सकते हैं। उसके लिए जो इजी वे रहेगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो प्लीज़ ऑटो या कैब हायर कर लीजिए, क्योंकि माता कन्नी टेम्पल जो है अराउंड 30 किलोमीटर्स है बीकानेर से। बसेस भी जाती है माता कन्नी के लिए जो कि 30 से 40 रुपये पर हेड लेती है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। और ऑटो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे कि आप बाकी जगहों को भी घूम के ईज़िली आ सकें और टाइम भी बचेगा। ऑटो वाला जो है आपसे 800 से 1000 रुपये तक लेगा और आपको ये 3-4 चीज़ें घुमा कर लाएगा। सबसे कैमल रिसर्च सेंटर, जो कि इंडिया का एक ही कैमल फार्म, एक रिसर्च सेंटर ऐसा है जहाँ पर आपको वैराइटीज़ ऑफ कैमल्स मिल जाएंगे देखने को, और अगर आप वहाँ पर वाइट कैमल का को भी देख सकते हैं। इसके अलावा कैमल फेस्टिवल
के दौरान अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको कैमल रेस देखने को मिलेगी और आपकी एंट्री भी फ्री रहेगी, वरना 100 रुपीज़ एंट्री रहती है नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर की। वहाँ पर आप कैमल प्रोडक्ट्स, ईटेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी इन्जॉय कर सकते हैं, लाइक कुल्फ़ी, आइसक्रीम और मिल्क, और कैमल रेस का भी आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जो ऑटो वाला लेके जाएगा वो लेके जाएगा 36 हैं, जो 36 जो है वो समाधि हैं, काफ़ी बड़े एरिया में काफ़ी समाधियाँ बनी हुई हैं, जितने भी राजा लोग रहे हैं उन सब की वहाँ समाधि है बीकानेर में। वो एक्सप्लोर करने के आपको लगभग पूरा दिन लग जाएगा इन तीन चीज़ों में एक्सप्लोर करने में, और शाम को आप एंड में वैष्णो धाम ऑटो वाला ही आपको ले जाएगा, उसे बोलिए वैष्णो धाम जाना है, जो कि श्री वैष्णो देवी की थीम पर बेस्ड है, चढ़ाई बनी हुई है, गुफा बनी हुई है, काफ़ी सुंदर टेम्पल है, आप उसे भी घूम सकते हैं। उसको घूमने के बाद इवनिंग में वापस आकर थोड़ा बहुत मार्केट में एंजॉय करिए, और उसके बाद आपकी ट्रेन होगी रात को वहाँ से 10:30 बजे दिल्ली के लिए, तो आप उसे पकड़कर दिल्ली वापस आ जाइए। तो इस तरीके से ओवरऑल आप 2 डेज़ में अपना दिल्ली से बीकानेर का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जिसका अराउंड खर्चा जो है बैठेगा, अगर आप विद फैमिली जा रहे हैं तो 3 से 3,500 रुपये में आप आराम से घूम कर आ सकते हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आपका खर्चा 2,000 भी नहीं आने वाला, क्योंकि आप डॉर्मेटरी में स्टे करना है आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा नहीं। अगली वीडियो तक के लिए मिलता हूँ आपसे अलविदा। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।